चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट साइंस। आगे की क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो इन दिस मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। इस टाइप के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे को बेनिफिट एक साथ देते हैं। एग्जाम्पल लिचेन एंड एल्जेई। तो एल्जेई और लिचेन इसका एग्जाम्पल है। द एल्जे ऑब्टेन मिनरल्स वाटर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द फंगस। जो एल्गे होता है वो ऑब्टेन करता है मिनरल्स वाटर नाइट्रोजन फंगस से। द फंगस रिसीव्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम द एल्गे, और जो फंगस होता है वो फूड मटेरियल को रिसीव करता है एल्गे से। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच दे म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बोसिस। जो संबंध होता है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जिसमें वे एक दूसरे को एक साथ बेनिफिट देते हैं उसे हम सिम्बोसिस कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सोयल, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोयल में किस प्रकार से रेप्लेनिश्ड होते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। जो प्लांट होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेते हैं। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग क्रॉप बाय क्रॉप इन द सोयल। इसके परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो लगातार क्रॉप से क्रॉप तक घटता रहता है। सो टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मिट्टी में क्वांटिटी को बनाए रखना है न्यूट्रिएंट्स की तो हमें उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखना होगा। फर्टिलाइजर और मैन्योर्स उसमें लगातार ऐड करने होंगे। दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ATC। ये जो मैन्योर होते हैं और फर्टिलाइजर होते हैं कंटेन करते हैं अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फोरस ATC। अब आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। बहुत सारे अधिकतर जितने भी प्लांट होते हैं रिक्वायरमेंट होती है उनको बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की प्रोटीन को बनाने के लिए। द सोयल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन आफ्टर ईच हार्वेस्ट, यानी कि जो सोयल है जो मिट्टी है उसमें लगातार नाइट्रोजन की प्रतिशतता घटती जाती है हर एक हार्वेस्टिंग के बाद। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। जो पौधे होते हैं वो एटमोसफेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर सकते। दिस एलिमेंट इज प्लेंटी इन एयर, यह कुछ ही मात्रा में हमारी एयर में रहता है। द बैक्टीरिया रिजोबियम कन्वर्ट्स दिस नाइट्रोजन इंटू सोल्यूबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड दैट द प्लांट कैन एब्जॉर्ब। जो बैक्टीरिया रिजोबियम होता है वो कन्वर्ट करता है इस नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। बट रिजोबियम डिपेंड्स ऑन लेगुमिनस प्लांट सच एज पीज, लेकिन जो रिजोबियम होता है वो डिपेंड होता है लेगुमिनस प्लांट पर जैसे कि हमारा पीज। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर विद नाइट्रोजन। जो रूट होती है प्लांट की वो प्रोवाइड कराती है फूड और शेल्टर नाइट्रोजन के साथ। रिजोबियम हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेगुमिनस प्लांट एंड दस रिस्टोर्स द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सोयल। जो रिजोबियम होता है उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेगुमिनस प्लांट के साथ और उसे रिस्टोर करता है नाइट्रोजन कंटेंट को जो मिट्टी में होते हैं। चलिए स्टूडेंट हमारा चैप्टर तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है जैसे लिखा हुआ है NCERT एक्सरसाइज। तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, तो आंसर लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू ग्रो गेट एनर्जी टू डू वर्क रिपेयर डैमेज इन द बॉडी मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप इस पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रोप, और इसका आंसर नीचे दिया गया है पैरासाइट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट एग्जाम्पल कैसकटा। अब दूसरा है हमारा सेप्रोट्रोप, सेप्रोट्रोप ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म दे लिव ऑन द डेड एंड डीकेइंग स्टफ एग्जाम्पल मशरूम।
अब दो क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, थर्ड आपको करना है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। आप कैसे बताओगे कि पत्तियों में स्टार्च होता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो कौन कौन से स्टेप है जो बताते हैं स्टार्च होता है पत्तियों में। पहला है बॉइल द लीव्स इन एल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल, एड टू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। थर्ड है द चेंज ऑफ कलर इन टू ब्लैक ब्लू ब्लैक इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। फोर्थ आपका गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। तो इसमें लिखना है आपको ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो डायग्राम के द्वारा आपको ये बातें रिप्रेजेंट करनी है। पहले जैसे कि ग्रास है, जैसे कि आपका ग्रास है, ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नैक, फिर हॉक। ठीक है बच्चों, अब फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आपका पहला लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ब्लैंक है, ब्लैंक में आप लिखना, आपको लिखना है ऑटोट्रोप्स। फिर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, और इसका आंसर है स्टार्च। थर्ड है आपका इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इसका आंसर है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, तो इसमें लिखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। अब है आपका नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7, और इसका पहला क्वेश्चन है ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, आंसर है कैसकटा। बी पार्ट है आपका ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, इसका आंसर है इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक है आपका द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, आंसर है स्टोमेटा। फिर है आपका टिक द करेक्ट आंसर में है कैसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर है आपका पैरासाइट। फिर है आपका द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, तो इसका आंसर है आपका पिचर प्लांट। फिर है मैच द फॉलोइंग मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम 2, तो क्लोरोफिल का मैच होगा आपका लीफ के साथ, नाइट्रोजन का मैच होगा आपका रिजोबियम के साथ, कैसकटा का मैच होगा आपका पैरासाइट के साथ, एनिमल्स का होगा आपका हेटरोट्रोप्स के साथ, और इंसेक्ट का होगा आपका पिचर प्लांट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका है मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपका ट्रू फॉल्स है, बी आपका फॉल्स है, सी ट्रू है, और डी आपका ट्रू है। फिर आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला जो है विच पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, आंसर है आपका स्टोमेटा। 12th का आंसर है आपका लीव्स, और क्वेश्चन नंबर 13 को भी आपको लिख लेना है व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।